चंद्रशेखर आजाद रावण भैया जी जो हैं उनसे बड़ा शेर और उनसे बड़ा मर्द नाभिदों के पैदा हुआ है। और माधव समाज की दीजिए लड़ाई, हम लड़ने को तैयार हैं। कुर्मी समाज को दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। मुस्लिम समाज को दीजिए, हम लड़ने को तैयार। दलित जो है वो बुड़बक नहीं रह गया, मूर्ख नहीं रह गया, अब किसी के झांसा में नहीं आने वाले हैं। और पहले वाला जमाना चला गया कि डरा भ्रष्ट सरकार और इससे बड़ा झूठा सरकार न होगा और न कभी। बहुजन सरकार है भाई, बहुजन सरकार है शेखर जी की पार्टी। चंद्रशेखर हमारे भैया हैं, हम उनका खून है, हम उनका छोटा भाई हैं, हम उनके साथ हैं। तो कहे हैं कि हर पूरे देश में चंद्रशेखर रावण जैसा और गोल्डन दास जैसा हर घर में। बिहार में एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है जो दलितों पे, जो जहाँ शोषण हो रहा है वहाँ पे एट अ टाइम पहुँच के न्याय दिलवाने का काम कर रहे हैं। वो एक नाम है गोल्डन दास। जो आप गोल्डन दास का नाम आप देखिएगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करके देख लीजिएगा, तो गोल्डन दास एक ऐसा नाम बन चुका है अभी बिहार में जो दलित समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। गोल्डन दास जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गोल्डन जी से जानेंगे, क्या गोल्डन जी बिहार में इतने सारे अधिकारी, इतने सारे प्रशासन के खिलाफ जो आपके सबूत लेके चलते हैं और सबूत के साथ में बात करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? सबसे पहले आपको वोटर जनसन न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबूत जो है ना, जो अधिकारी चोरी करेगा तो ये सबूत ऐसी निकालने की जरूरत नहीं रहता। ये पेपर मीडिया जितने भी है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उसका न्यूज ऑटोमेटिक मिल जाना है। तो हमारे पास सबूत कहाँ से आया नहीं आया ये हमको ना मीडिया वालों को बताना हम जरूर समझते हैं, ना ही किसी और को। जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ कार्रवाई के लिए हम देने को तैयार हैं। पहला मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि इन्होंने जब भी जहाँ भी जिस थाने में गया, जिस डीएम से मिला, जिस एसपी से मिला, उसके साथ में उसका सबूत रखते हैं। उन्होंने क्या गलत किया ये वो सबूत रखते हैं और उस सबूत के साथ में उनसे बात करते हैं कि आपने आपकी गलती हुई है आपसे और आप स्वीकार करिए। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे, इतने सारे सबूत हैं लेकिन इतने आईएएस आईपीएस से आपकी क्या जरूरी है छीन लड़ाई लेना, क्या जरूरी है? जनता को जेल पुलिस क्यों भेजती है? चोर जो है या कोई माफिया जो है इसको पुलिस क्यों भेजता है जेल? क्योंकि गलत करता है। तो फिर पुलिस गलती कर रहा है तो फिर हम क्यों नहीं उसको जेल भेजें? इंसान का क्या कर्तव्य बनता है? मानवता क्या बनता है? इंसानियत क्या बनता है? हमारे बाबा साहब क्या जरूरत है कि पूरे भारत को संविधान लिखना? मान्यवर कांशीराम साहब को क्या जरूरत है संघर्ष करके बहन कुमारी मायावती को सीएम बना देना? चंद्रशेखर आजाद रावण जी को क्या जरूरत है पूरे देश की ऐसी लड़ाई लड़ना? तो फिर हम क्यों नहीं? हम भी तो उन्हीं का वंशज है, उनका खून है, उनका परिवार है। तो फिर हम उनको, जैसे भैया चंद्रशेखर आजाद रावण जो है बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब को कारमा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनको मदद करें कारमा को आगे बढ़ाने में ताकि और आसानी हो? हम तो कहें कि हर पूरे देश में चंद्रशेखर रावण जैसा और गोल्डन दास जैसा हर घर में पैदा होना चाहिए। तो है ना भाई, बिहार में भीम आर्मी है जो लड़ाई लड़ रही है समाज की। देखिए, भीम आर्मी क्या कर रही है नहीं कर रही है, हमको इस पे कोई टीपा टिप्पणी चाहिए, इसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। ओनली वन चंद्रशेखर आजाद रावण भैया जी जो हैं उनसे बड़ा शेर और उनसे बड़ा मर्द नाभिदों के पैदा हुआ है और ना होगा। अब लोग कह रहा है गोल्डन भी हो गया है, तो लोग कहे हम मानने को तैयार हैं, लेकिन हम तो भाई 85% समाज के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर लेने के लिए। चंद्रशेखर में बहुत सारे आरोप लगता है कि वो बीजेपी का एजेंट है, तो कांग्रेस का एजेंट है। हमारे समाज के जो भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं उनको आरोप लगाया गया, जेल भेजा गया, हत्या कराया गया, तो क्या लड़ाई लड़ना हम लोग बंद कर दें? क्या मनुवादियों से डर जाएं? क्या झूठ बोलने वाले को हम लोग झूठा चाटें? ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो बोलना है बोले, हम लोग पूरे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लेकिन पूरे बिहार में दलित समाज पे जहाँ भी शोषण हो रहा है वहाँ पे आप जाके उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि बिहार में चिराग पासवान भी है, जीतन मांझी जी भी हैं, दलित समाज के बहुत सारे लोग हैं, इनको चिंता क्यों नहीं? इन लोग के पता नहीं कि समाज क्या है, उन लोग खुद पता नहीं कि हम किस समाज से आते हैं। जिस दिन पता हो जाएगा कि हम शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट की बेटी बहन को बराबर जुल्म शोषण अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, उस दिन उन लोग भी लड़ना शुरू कर देगा। तो आप किस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम पूरे 85% समाज से लड़ाई लड़ रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज के, और अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप रविदास समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको दीजिए ना, आप जादव समाज की दीजिए लड़ाई, हम लड़ने को तैयार हैं। कुर्मी समाज को दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। मुस्लिम समाज को दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। पासी समाज को दीजिए, तेली समाज को दीजिए, सुनार समाज को दीजिए, जसवाल समाज को दीजिए। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप हमको उसके बाद बोलिए। आज ही मैं एक संपाचक में कल एक लड़की को गोली मार दिया गया, एक उसी को लड़की को भाई को हत्या करने के नियत से अपहरण कर लिया गया। मैं संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अपना सभी कार्यकर्ता के साथ एक अर्जेंट बैठक किया और एएसपी से और
ये बख्तियारपुर थाना प्रभारी से हमने बात किया और उनको मैं साफ शब्दों में बता दिया कि 24 घंटा के अंदर अगर हमारा भाई बरामद नहीं हुआ तो 25वां घंटा पूरे प्रशासन को सबूत के साथ मैं धूल चढ़ाने का काम करूंगा और जो पुलिस लापरवाही बरतेगी उसको वर्दी उतार के और जेल भेजने का काम करूंगा। सरकार इस पर रोकथाम के लिए बहुत सारे योजनाएं ला रहे हैं, दलित समाज के हत्या पे एक परिवार को नौकरी, ये मतलब मुआवजा मिलेगी और दलित समाज पे हम अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़े बड़े लोग मंच साझा करें, लेकिन बिहार में दलित पे लगातार शोषण हो रहा है, रोकथाम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या कुछ? इससे बड़ा भ्रष्ट सरकार और इससे बड़ा झूठा सरकार न होगा और ना कभी। बहुजन सरकार है भाई, बहुजन सरकार है। बहुजन सरकार के मतलब आप लोग को पता नहीं है, बहुजन समाज सरकार के मतलब अम्बेडकरवादी ना कि मनुवादी। नीतीश कुमार को कई बार बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाते हुए देखे हैं, कई वो गरीब के घर पे जाके पीड़ित से जाके मिले हैं, कई वो पीड़ित के भीम परिचर्चा, भीम संवाद सब ये कब से कर रहे हैं, कब से बताइए? इधर इस महीने से शुरुआत सब लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस महीने से? इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना भ्रष्ट और इतना जाली आदमी है कि 2024 में इनको झूठा एक सपना आया कि हमको प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ना है, तो दलितों को लूटने का और ठगने का और अपर कास्ट को चाटने का ये तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। भीम समाज मतलब बाबा साहब के विचार को फैला रहे हैं, तो बाबा साहब के प्रचार को आज ही आपको फैलाने का ऐसा जरूरी समझ में आया, और पहले से क्यों नहीं? शुरुआत तो कभी की जा सकती है ना। देखिए भाई साहब, अब दलित जो है वो बुड़बक नहीं रह गया, मूर्ख नहीं रह गया, अब किसी के झांसा में नहीं आने वाले हैं, और पहले वाला जमाना चला गया कि डरा कर धमका कर किसी को वोट ले लें। मैं पूरे बिहार में जरूरत पड़ने पर 243 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, और जैसे सभी जाति के नेता हैं उससे भी मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा, और ऐसे ऐसे भ्रष्ट और दलितों पर शोषण जुल्म अत्याचार करने वाले मुख्यमंत्री को या बिहार सरकार को सबक सिखाने का काम किया। पास, लेकिन आपकी पार्टी नहीं है तो चुनाव कैसे 243 सीट पर लड़ेंगे? भीम आर्मी किसका पार्टी है? आजाद समाज पार्टी किसका पार्टी है? तो चंद्रशेखर जी की पार्टी। तो चंद्रशेखर हमारे भैया हैं, हम उनका खून है, हम उनका छोटा भाई हैं, हम उनके साथ हैं। तो जब हमारे भैया हैं तो हमारा भैया की पार्टी मेरा पार्टी आजाद समाज पार्टी। हाँ, आजाद समाज पार्टी है। आजाद समाज पार्टी को यहाँ खड़ा करने के लिए जरूरत पड़ने पर कतरा कतरा खून मैं बहा दूंगा। आजाद समाज पार्टी के लिए? हाँ, आजाद समाज पार्टी के लिए। आजाद समाज पार्टी के लिए नहीं, यदि भैया चंद्रशेखर आजाद रावण को मजबूत करने के लिए। तो आजाद समाज पार्टी को मतलब राजनीति पार्टी से आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट? हाँ, मैं सपोर्ट करूंगा। वोट के लिए बात आई तो आजाद समाज पार्टी बिहार में सपोर्ट? हाँ, आजाद समाज पार्टी को मैं कराऊंगा, मैं सपोर्ट करने के साथ साथ मैं जिताने का काम करूंगा। लेकिन कुछ लोग का आरोप है कि गोल्डन दास जी जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे कहने के लिए बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम तोड़ने का काम कर रहे हैं तो अब पहले से जोड़ने का काम क्यों नहीं किए? जब पहले से समाज के लोगों को जब जोड़ने का काम करता तो गोल्डन दास को जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, चंद्रशेखर जी अगर चाहें कि गोल्डन दास बिहार में आए साथ में आए तो क्या काम करना चाहेंगे चंद्रशेखर जी? मैं चंद्रशेखर आजाद रावण भैया का जो भी आदेश आएगा मैं सख्ती से पालन करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं कितना हूँ आगे बढ़ जाऊंगा मैं उनका छोटा भाई ही बनकर रहूंगा। हाँ, लेकिन बिहार में मतलब बीमार में समाज पार्टी का भी साथ देंगे? हाँ, मैं साथ दूंगा। एक सवाल है कि जिस आंदोलन आप करने जा रहे हैं पूरे बिहार में, तो उसमें भीम आर्मी का साथ क्यों नहीं चाहते हैं? भीम आर्मी का साथ चाहते हैं या फिर नहीं चाहते? मैं बोला ना कि मुझे किसी संगठन से लेना देना नहीं है, ओनली वन हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण भैया से हमको लेना देना है। मैं चंद्रशेखर आजाद रावण का जो विचार है हमको बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको फॉलो करता हूं। अगर चंद्रशेखर जी का कोई आदेश हो कि गोल्डन जी को साथ देना चाहिए भीम आर्मी बिहार में, तो क्या उनके साथ में लड़ाई लड़ेंगे? देवे उनका स्वागत है, लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, उनका स्वागत है, उनका वेलकम है। चलिए, तो आपने साफ तौर पे सुना कि गोल्डन दास जी जी थे हमारे साथ में, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो खून का एक कतरा हम चंद्रशेखर आजाद रावण जी के लिए देंगे, उनकी पार्टी के लिए देंगे, उनके संगठन के लिए देंगे। अगर हमारी लड़ाई जो बिहार में चल रही है, लगातार जो आंदोलन हो रहा है, पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, अगर उसमें अगर चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और उनके संगठन अगर हमारा साथ देती है, तो हम आए दिन जो चुनाव होने वाले हैं या फिर जहां भी भीम आर्मी कमजोर पड़ेगी, जिस जगह पे कमजोर पड़ेगी, एक आवाज़ अगर चंद्रशेखर आजाद रावण अगर गोल्डन दास जी को देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमेशा खड़े रहेंगे चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के लिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।